दोस्तों वो कहते हैं ना कि अगर ऊपर वाला आपसे कोई चीज ले लेता है तो बदले में कुछ बेहतरीन चीज देता भी है। अब इस मामले में ऊपर वाला सबसे ज्यादा मेहरबान रहा है दुनिया के मिडिल ईस्ट में मौजूद अरब देशों के ऊपर। चारों तरफ बंजर जमीन है, लोगों को पीने के लिए ढंग का पानी भी नहीं मिलता, जमीन भी कोई इतनी ज्यादा उपजाऊ नहीं है कि एक से बढ़कर एक खेती बाड़ी वाली फसलें उगाई जा सके। लेकिन इन सब के बावजूद सभी अरब देशों में तेल इतना है कि खड़े खड़े देश के देश खरीद सकते हैं। विश्व की सबसे महंगी करेंसी की बात की जाए तो वो मिडिल ईस्ट में मौजूद कुवैत का कुवैती दिनार है। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली कंपनी भी सऊदी अरब में मौजूद सऊदी अरामको है। इसके अलावा कहीं ना कहीं हर तीसरा देश किसी न किसी देश का दुश्मन होता है, लेकिन अरब देश से चिढ़ते भले ही हर कोई हो मगर दुश्मन आपको शायद ही मिलेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तेल तो सबको चाहिए, है कि नहीं। हालांकि यहाँ पर सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल बनता है कि इस सारी पावर की रूट यानी मिडिल ईस्ट में मौजूद ऑयल और गैस रिजर्व वहां पर इतने ज्यादा कैसे मौजूद है कि पिछले कई दशकों से अरब देश उनके बल पर पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। और क्या इस तेल के खत्म हो जाने के बाद अरब देश सड़क पर आ जाएंगे? और आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही दिलचस्प सवालों के सिंपल जवाब देने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो देखो दोस्तों, अरब देशों में इतना तेल कैसे है, इसका जवाब दो चीजों में छिपा हुआ है। पहला पेट्रोलियम के फॉर्मेशन के प्रोसेस में और दूसरा हिस्ट्री में। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से कि आखिर धरती के अंदर क्रूड ऑयल और बाकी एनर्जी रिसोर्सेज बनते कैसे हैं? आप आज जिस क्रूड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं उसे बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, जिसकी शुरुआत होती है समुद्र से। दरअसल समुद्र में जब मरीन ऑर्गेनिजम्स जैसे मछलियां, प्लांट्स, एल्गी और प्लैंकटन यानी कि माइक्रोस्कोपिक मरीन ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं तो अपने जीवन के अंतिम समय में उनकी लाशें सी बेड यानी कि पानी के सबसे नीचे हिस्से पर मौजूद जमीन पर चली जाती है, जहां वो डीकम्पोज होती रहती है। अब देखो, इतना तो हम सभी जानते हैं कि अर्थ जैसे एक्टिव प्लैनेट पर हर कोने में हलचल होती रहती है, जिस वजह से समय के साथ साथ पानी के अंदर मरने वाले जीवों की लाशों के ऊपर सेडिमेंटेशन होता रहता है और कुछ लाख सालों बाद उनके ऊपर लाखों टन के वजन वाली इतनी परत जमा हो जाती है कि जिस गहराई में वो रेमिनेंट्स मौजूद होते हैं वहां का प्रेशर और वहां की हीट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर पहुंच जाती है। Now here comes the second stage. Eventually, जितने भी प्राचीन समय के समुद्र रहे हैं वो समय के साथ साथ अलग अलग conditions की वजह से dry up भी हुए हैं। कोई excessive heat और evaporation का शिकार बना तो कोई normal से tectonic movement का, मगर जो पीछे छूट गई वो थी समुद्र के नीचे दबी हुई जमीन, जिन्हें sedimentary basins के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, सेडिमेंट्री बेसिस में बदलने के बाद इन हिस्सों का अर्थ के मेंटल से संपर्क और मेंटल की हीट से एक्सपोजर और ज्यादा बढ़ गया। ऊपर से जमीन की इतनी गहराई में ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं था, वो अलग, जिस वजह से प्रेशर और हीट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होने के बाद यही ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीजन की कमी में वैक्स जैसी एक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे कैरोजेन कहते हैं। अब आसान भाषा में इसे आप क्रूड ऑयल का प्री प्रोडक्ट भी मान सकते हैं। अब धरातल में मौजूद इस कैरोजेन को और प्रेशर और हीट का सामना करना पड़ता है अगले लाखों सालों तक, क्योंकि अर्थ के ऊपर लेयर्स तो बनती ही चली जाती है और हीट और प्रेशर से गुजरते हुए ये कैटेजेनेसिस नाम की एक लंबी प्रोसेस का सामना करता है। और फाइनली कैटेजेनेसिस कंप्लीट करने के बाद उस ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेकडाउन होता है और वो बन जाता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन सिंपल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ वो कंपाउंड होता है जो बहुत हाई प्रेशर और हीट में डेवलप हो पाता है, और इस कंपाउंड के बनने के बाद ये हाइड्रोकार्बन कोयले में बदलेगा या क्रूड ऑयल में बदलेगा या फिर किसी और नेचुरल गैस या एनर्जी रिसोर्सेस में। ये उस हाइड्रोकार्बन के आसपास की सराउंडिंग, उसका प्रेशर, उसका टेम्परेचर और कई बार उसका एनवायरमेंट डिसाइड करता है। इवन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जिन प्लांट्स और बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गेनिक मैटर्स सेडिमेंट्री बेसिन पर जमा होते हैं उनकी वैरायटी और उनके स्ट्रक्चर भी फाइनल प्रोडक्ट का रिजल्ट अल्टर करने में एक बड़ा रोल प्ले करता है। अब खैर, ये तो बात हो गई कि क्रूड ऑयल बनता कैसे है, जिसके तार बेसिकली समुद्र से ही जुड़े हैं, वो भी ऐसा समुद्र जिसके नीचे हजारों लाखों साल तक उस ऑर्गेनिक मैटर को अच्छे खासे प्रेशर का सामना करना पड़े। मगर दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में मौजूद अरब देशों की, जहां शायद उतनी ही बड़ी और लार्ज वाटर बॉडीज होंगी जितनी हमारी और आपकी गर्लफ्रेंड्स हैं, सीधे शब्दों में एक भी नहीं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। फिर सवाल उठता है कि बिना समुद्र के यहाँ पर इतना सारा तेल आखिर कैसे आया? एंड दैट इज वेयर हिस्ट्री अलोंग विद ज्योग्राफी एंटर्स द चैट। देखो, वैज्ञानिक अलग अलग डेटा की मदद से हमेशा धरती की कंडीशंस का अंदाजा लगाते रहते हैं और कोशिश करते हैं जानने की कि साल दर साल इसमें क्या बदलाव हुए हैं।
ऐसे ही रिसर्च की वजह से हमें ये फैक्ट पता चला कि आज जहां आप मिडिल ईस्ट के देशों को देखते हैं ना, असल में वही इलाका आज से करीब 100 मिलियन साल या फिर 10 करोड़ साल पहले एक मैसिव ओशियन का हिस्सा हुआ करता था, जिसे आज के ज्योग्राफी में टेथिस ओशियन के नाम से रेफर किया जाता है। अब करीब 15 करोड़ साल पहले इसकी पोजीशन धरती के ग्लोब पर कैसी थी, ये आप इस इमेज को देखकर समझ सकते हैं। अब इसके बाद वही हुआ जो सभी जानते हैं, धरती पर एक एस्ट्रॉइड गिरा, ढेर सारे ज्वालामुखी फटे और साथ में हुई बहुत से टेक्टोनिक मूवमेंट्स, जिसकी वजह से हमारी धरती की शक्ल ही पूरी तरीके से बदल गई और सारा जमीनी हिस्सा 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो गया। अब नॉर्मल टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से इवेंचुअली मिडिल ईस्ट की जमीन समुद्री सतह से ऊपर उठी और टेथिस ओशियन नीचे चला गया, मगर इस ओशियन के अंदर करोड़ों साल से दफन होने वाला ऑर्गेनिक मैटर अंदर ही अंदर कंप्रेस होता रहा और इसने अपनी प्रोसीजर जारी रखा। अब करोड़ों साल बाद जब हम इंसान धरती पर आए, तब हमने ऑयल को डिस्कवर किया और फाइनली आज उस मिडिल ईस्ट से अपने मैक्सिमम तेल की सप्लाई लेते हैं, जो एक समय पर समुद्र के नीचे होने की वजह से आज क्रूड ऑयल का इतना बड़ा रिजर्व बन चुका है। मगर यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग सवाल आता है कि चाहे ये देश कितना ही पैसा क्यों ना कमा ले, क्रूड ऑयल इज ए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, यानी कि अगर कल को ये पूरी तरह खत्म हो गया तो अगले करोड़ों सालों से पहले इसे दोबारा से नहीं बनाया जा सकता। अब इस बात की गंभीरता समझते हुए इंसानियत धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल रिसोर्स जैसे सोलर, विंड और हाइड्रो एनर्जी की ओर बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर एक कड़वी सच्चाई यही है कि एक समय के बाद अरब देशों के पास भी सारा तेल या तो खत्म हो जाएगा या इतना कम रह जाएगा कि वो अपनी इकोनॉमी सिर्फ उसके सहारे नहीं चला पाएंगे। तो क्या ऐसा मौका आने पर अरब देश सड़क पर आ जाएंगे? वेल, देखो, इस कड़वी सच्चाई को मिडिल ईस्ट के देश भी बहुत अच्छे से जानते हैं, जिस वजह से धीरे धीरे वो अपने इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनका एक बड़ा हिस्सा तेल से आने के बजाय अलग अलग सेक्टर से आए। और इस प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए अरब के देशों का सबसे बड़ा टारगेट है टूरिज्म सेक्टर। यूएई में हर साल कोई ना कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिससे वो देश लगातार बाहरी लोगों को अपने देश में विजिट करने के लिए अट्रैक्ट करता ही रहता है। विजन 2030 नाम के प्रोजेक्ट के तहत सऊदी अपनी इकोनॉमी में टूरिज्म सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को 3 से बढ़ाकर 10% पर लाना चाहता है। इसके अलावा नियोम नाम की फ्यूचरिस्टिक सिटी पर भी सऊदी तगड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, ताकि वो अपने देश में टूरिस्ट के साथ साथ अमीर लोगों को रहने के लिए भी इन्वाइट कर सके, क्योंकि देश के अंदर जितने अमीर लोग रहेंगे कहीं ना कहीं उनका पैसा घूम फिर कर वापस से उसी देश में ही तो आ जाएगा। अब इसी माइंडसेट के साथ कतर में भी पिछले साल फुटबॉल वर्ल्ड कप होस्ट किया गया था, ताकि बाहर के लोगों का अटेंशन वो अपनी तरफ खींच सके और अपने देशों को भी दुनिया के सामने एक ध्यान देने वाला पॉइंट बना सके। अब इस वर्ल्ड कप को होस्ट करवाने की वजह से कतर में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बना था और बहुत सारा फॉरेन मनी भी आया था। बाकी टूरिज्म में कतर की वैल्यू बढ़ी थी सो अलग, जिस वजह से कई बड़े बड़े और ट्रस्टेड पब्लिकेशंस और न्यूज एजेंसीज ये तक कहती है कि कतर ने पिछले साल का वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए फीफा को घूस तक दी थी। वर्ल्ड की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भी मिडिल ईस्ट में ही है। स्पेस सेक्टर में भी मिडिल ईस्ट से अच्छा खासा पोटेंशियल देखने को मिल रहा है, और जैसे जैसे हर एक सेक्टर की ओर अरब देश काम कर रहे हैं, उस स्पीड को देखते हुए और उस विजन को देखते हुए लग रहा है कि आगे आने वाले समय में अरब को फ्यूल की जरूरत ही नहीं होगी, बल्कि अरब पूरी दुनिया के लिए एक फ्यूल बन चुका होगा, जिसके आगे सलाम ठोकने पर बाकी देशों को मजबूर होना ही पड़ेगा। अब जहां दूसरों के यहां अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनने पर हमारे ही देश के लोग बहुत तारीफ करते हैं, वहीं हमारे ही देश में जब विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बनती है ना, तो उसे क्रिटिसाइज किया जाता है। चीजों का रीडेवलपमेंट होता है तो उस पर विवाद छेड़ा जाता है। टूरिस्ट स्पॉट्स कभी भी इसीलिए नहीं बनाए जाते ताकि लोग उस चीज को देखने आए, बल्कि इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उस इकोसिस्टम से ना सिर्फ लोगों को कमाई का एक साधन मिले, बल्कि उस इकोसिस्टम से इकोनॉमी को कंट्रीब्यूशन भी मिलता रहे। टाइम्स ऑफ इंडिया की खुद की रिपोर्ट के हिसाब से पहले 11 महीने में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को 26 लाख लोग घूमने आए थे, जिसकी सिर्फ टिकट सेल से करीब 72 करोड़ रुपए कमाए गए थे। वैसे ये जगह काफी खूबसूरत है और यहाँ पर औरतों को खुद सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक ऑटो दिए हैं, ताकि उन्हें रोजगार मिलने के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी बढ़ावा दिया जा सके। वैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घूमने में टिकट को हटाकर जो पर्सनल कॉस्ट आता है वो करीब 700 से 1200 रुपए का आता है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि इकोसिस्टम बिल्ड करके कैसे टूरिस्ट सेक्टर अलग अलग तरीके से कैसे अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। हाँ, हमारी सरकार वहां पर इकोसिस्टम बनाने में थोड़ी सी असफल जरूर हो गई, मगर ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स जहां पर हमें सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, वहां पर हम अपने ही देश की बुराई करने पर आखिर क्यों उतर आते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो जॉब्स क्रिएट होंगी, और जॉब्स क्रिएट होंगी तभी तो लोगों को डेवलप करने का मौका मिल पाएगा।
इस बात को समझते हुए बाकी देश पूरी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, वेयर इज हम क्रिटिसाइज करने की वजह से कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक अच्छा माइंडसेट बिल्कुल भी नहीं है। वैसे वीडियो में जाते जाते आपके लिए एक सवाल है, और वो ये कि कैरोजेन हाइड्रोकार्बन में किस प्रोसेस के बाद कन्वर्ट होता है। अपने जवाब नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको इसका आंसर मालूम होगा, और अगर जवाब नहीं पता तो कोई बात नहीं, वीडियो को फिर से देख लो, आराम से आंसर मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाना, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय।